हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम अभी नैनीताल में आए हैं और अभी ये हमारा रूम है। अभी कुछ रूम की हालत में ऐसी हो रखी क्योंकि हम नाइट में आ गए थे, हमने नाइट स्टे करा है और अब हम चेकआउट करके अभी जा रहे हैं। और चेकआउट करने के बाद आपको नैनीताल की जो व्यू वगैरह हैं और नैनीताल में कौन कौन सी जगह हैं जो घूमने के हिसाब से ठीक हैं और अच्छी जगह हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। सो गाइस, बने रहिए आगे अपने ब्लॉग में। सो गाइस, दिखाते हैं फिर आपको वीडियो। ये हमारे कजिन ब्रदर हैं, देगी इनके हरकतें। कुछ लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ में नहीं आए तो ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं आज। और ये भाई है अपने, और ये नाइट स्टे कर रहे हैं आज हमने, और हमने रात में और रात भर जागे हैं और मुझे भी जगाया पिलवा रहे इतना और कच्चे में ही पूरा सोए, पूरे सब कपड़े अपड़े निकाल के एकदम मस्त होके। और नैनीताल में होटल और कह रहे ये ले भाई। ओके, आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। केला भी देते हैं बीच बीच में, केले वेले भी की बात करते रहते हैं पता नहीं किस। सो गाइस, अभी हम नैनीताल की रोड पे हैं और घूम रहे हैं। सो गाइस, ये झील है, ये कुछ इस तरीके की है। सो गाइस, ये हैं कुछ नैनीताल के नज़ारे हैं और लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। और मैं पिछली बार आया था तब मैंने बोटिंग करी थी, तो यहाँ पे बोटिंग में अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक पीछे बीच पहाड़ों के जब हम झील के अंदर चले जाते हैं तो हमें अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है, अच्छा लगता है काफ़ी। आप देख गाइस, ये है सुसाइड पॉइंट एंड लवर पॉइंट नैनीताल का। हेलो गाइस, सो गाइस अभी ये नैनीताल में है, लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। सो गाइस, ये है कुछ व्यूज और ये पत्थर है और ये हमारे कज़िन ब्रदर हैं। ये कह रहे थे पत्थर पे चढ़ने, मैंने कहा नहीं, स्लिप कर जाओ, पत्थर पे मत चढ़ो, तो मना कर रहे हैं, अब नहीं चढ़ूँगा। और ये कुछ व्यू है, नज़ारे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं आपके लिए, चलिए। सो गाइस, ये हमारी पल्सर बाइक है और हम आ रखे हैं रामनगर में। वाटरफॉल है यहाँ पे, जिम कार्बोनेट। सो गाइस, अभी वहाँ पे टिकट कटवा रहे हैं भैया। और ये कुछ यहाँ का एंट्री का व्यू है ये। सो गाइस, हम अभी बाइक से चलेंगे जिम कार्बोनेट में, वाटरफॉल है, जिम कार्बोनेट फॉल करके नाम है इसका, वाटरफॉल। तो गाइस चलते हैं अभी, देखते हैं कैसा व्यू है। तो गाइस, हम आ गए हैं जिम कार्बोनेट के इस वाटरफॉल में। तो गाइस, ये व्यू है वाटरफॉल का, कुछ इस तरीके से नज़ारा है। सो गाइस, अभी हम नैनीताल की ट्रिप जो है पूरी मतलब कवर करके आ चुके हैं। कुछ एक दो पॉइंट वैसे छूटे हैं और बाकी जितने पॉइंट है वो तो हमने कवर करे थे। और अभी नेक्स्ट जगह हम यहाँ पे आए हैं, यह है रामनगर के रोड पर जाते हैं ना, रामनगर रोड पर ये डैम पड़ता है रामनगर वाला, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आ सकते हैं नहाने के हिसाब से, सही है, काफ़ी अच्छा है। और ये सीधा जाते हैं, काफ़ी पानी है उधर और लोग नहा भी रहे हैं और अपना एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी बियर वगैरह लेके आओ, एंजॉय करो यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा है इधर, काफ़ी लोग आ रहे हैं, भीड़ भी है, सभी काफ़ी सही है इधर आ रहे हैं घूमने के, और सही है ये व्यू है कुछ यहाँ का। सो गाइस, अभी हम एक जगह पे आए हुए हैं, इस जगह का पता नहीं नाम क्या है, पर ये वाला रामपुर रोड करके एक रोड जा रहा है इधर रामनगर में, यहीं की जगह। देखिए यहाँ पे गाइस, ये नदी है, काफ़ी अच्छा व्यू है और पानी चल रहा है, देखिए गाइस। सो गाइस, काफ़ी अच्छा नेचर की वाइब आ रही है यहाँ पे, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं यहाँ से। और गाइस देखिए, पानी चल रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़।
सो गाइस चलते हैं आगे, आपको व्यू दिखाते हैं कैसा है। सो गाइस ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। रामनगर पे एक रोड है, फॉरेस्ट करके रोड है, पता नहीं कुछ नाम है ऐसे, वहाँ पे है ये रोड। सो गाइस ये व्यूज़ हैं यहाँ के, व्यू नज़ारे। सो गाइस अब हम घर पे आ चुके हैं और हमने नैनीताल की ट्रिप करी थी और फिर उसके बाद हम रामनगर गए थे और वाटरफॉल वगैरह देखा था, काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, पर हम कुछ चीज़ें जो हैं कवर नहीं कर पाए थे, मतलब वीडियो में शूट नहीं कर पाया था, मैं लेट हो गए थे, रात भी हो गई थी तो उस चक्कर में। सो गाइस ऐसे ही और अच्छी अच्छी जगह और डेंजरस जगह जो है एक्सप्लोर करनी थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको अलग ही अलग नेचर से जुड़ी हुई वाइल्ड लाइफ वाली वीडियोस ब्लॉग्स लेके आते रहूँगा। सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।